जो आपकी केमिस्ट्री, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे देखो एक ड्रामे की जीत तब होती है जब कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री एंड स्टोरी के अंदर उन कैरेक्टर्स ने अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस जो बनाई होती है वहां से होती है चीज हेड। तो आप लोगों की केमिस्ट्री कहां है, सेट पे आके बनी, पुरानी दोस्ती थी या सेट में पहले लड़ाई हुई? मिले ही सेट पर। हां हम फर्स्ट टाइम शूट पे फर्स्ट डे, जब जैसे मैंने बोला ना कि सेट की बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, तो ऐसे ही था कि हर बंदा जो था ना बड़ी मेहनत से काम कर रहा था और कोई कंपटीशन नहीं था सेट के ऊपर, अच्छी नियत के साथ सब काम कर रहे थे, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे और बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई सेट के ऊपर हमारी पूरी कास्ट की। भैया अजरा भाभी या जो सऊद भाई उनका जो वो कैरेक्टर है उसकी, उनका तो इसलिए कि वो घर की रियल लाइफ कपल है। फिर सुनीता एंड हसन भाई उनकी एक रियल लाइफ कपल है। आप दोनों अलग अलग थे और हम लोग फर्स्ट टाइम ही सेट पर मिले और मेरे ख्याल में हम फर्स्ट डे से हम बहुत जल्दी चले। उनकी केमिस्ट्री को मैच करना शुरू में तो मुश्किल हुई होगी ऑब्वियसली। वैसे नहीं, नॉट रियली, हम लोग पहले दिन से ही बहुत स्मूथली हम आ गए थे। आसानी किसकी तरफ से थी, उनकी तरफ से इनकी तरफ से? वो तो अपने कैरेक्टर में थी शुरू से ही, हमें पता है किस तरह का कैरेक्टर है। जी बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, अपने लिए बोलने वाला कैरेक्टर है। वैसे इस तरह की लड़कियां वाकई आज के इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट होना एक अच्छी बात है लेकिन इंडिपेंडेंट के साथ पकाऊ होना इज वेरी, ये पकाऊ नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरबोर्ड चली जाती है। तूबा से पूछे, तूबा ने अपने कैरेक्टर को क्या समझा है? मैंने कैरेक्टर को जब स्टार्ट हुआ था, अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ है, अभी की अभी की बात नहीं करी, अभी तो बहुत ओवरबोर्ड हो गया, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो वैसे तो अपने राइट के लिए बोलने वाली लड़की है, मतलब अपने आपको अपनी बात समझाने वाली लड़की है कि भाई अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, ये मेरी बाउंड्रीज है, अपनी बाउंड्रीज सेट कर रही है पहले दिन से, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात। मैंने यूट्यूब पे कॉमेंट पढ़ा था आपके बारे में, कहा ये वो लड़की है जो अपने से ज्यादा दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करती है।